हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीएफटी फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे मैच नंबर 14 द 100 वेमेंस का, वेल्श फायर वेमेन वर्सेस सदर्न ब्रेव के बीच में ये गाइस मैच होने वाला है। टाइमिंग गाइस इसकी रहेगी, यहाँ से आप देख लो 7:30 यानी 7 बजे टॉस हो जाएगा। अभी तक 7:30 पे टॉस हो रहा था, 8 बजे मैच शुरू, आज 7 बजे टॉस हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, काफ़ी क्वालिटी वीडियो मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ अभी तक के सारे प्रीव्यूज आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में काम में आ रहे हो, बिकॉज ग्रैंड लीग में तो 99% वही हो रहा है, स्मॉल लीग में भी वही हो रहा है। जो प्लेयर आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं स्पेशली वही काम कर रहे हैं, तो वही है। शुरू करते हैं वीडियो को। वेन्यू का इस करेगा सोफिया गार्डन कार्डिफ में, जो है अभी यहाँ पर मैचेस हो चुके हैं कुछ इसी सीरीज़ के लास्ट 2 मैचेस में। गाइस इस वेन्यू के ऊपर देखो क्या हुआ है, बात करते हैं। यहाँ पे गाइस जो टीम टॉस जीती थी बॉलिंग ली, 100 सीरीज़ का ही मैच था, 161 बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। दूसरी पारी में चेज़ नहीं हुआ, 142 5 विकेट के नुकसान पर। पहली पारी में राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर को 2 मिले थे विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को 1 मिला था, राइट आर्म फास्ट को 1 और यहाँ से लेफ्ट आर्म पेसर को 1। वहीं दूसरी पारी में राइट आर्म पेसर को मिले थे 3, लेग स्पिनर को मिला था 1। बात करते हैं दूसरे मैच की, उसमें भी जो टीम टॉस जीती थी उसने बॉलिंग ली थी। ये मेंस वाला मैच था, ये वुमेंस वाला मैच था। मेंस वाले मैच में क्या हुआ था, 130 पे 7 टारगेट दिया गया था। दूसरी पारी में गाइस 4 रन से ये भी रह गया था, ये भी गाइस क्लोज मिस था, ये भी क्लोज मिस था। 5 विकेट इस पारी में गिरे थे। पहली पारी में लेफ्ट आर्म पेसर को 2 मिले थे, राइट आर्म पेसर को 3, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर को 1 और लेग स्पिनर को 1। पहली पारी में टोटल 7 विकेट मिले, दूसरी पारी में 5 के 5 विकेट मिले राइट आर्म पेसर्स को। इन शॉर्ट अगर हम बात करें इन 2 मैचेस का सिनेरियो इस वेन्यू पे क्या रहता है, तो पेसर्स को 15 विकेट मिले हैं, स्पिनर्स को यहाँ से 6 विकेट मिले हैं। तो आप समझ सकते हो पेसर्स आपके लिए ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं आज के मैच में। बात करते हैं इस लास्ट ईयर की, तो वेल्श फायर की जो टीम है वो पॉइंट्स टेबल पे लास्ट आई थी, 8 में से सिर्फ 2 मैच जीते थे। वहीं सदर्न ब्रेव की टीम 8 में से 7 मैच जीती थी। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है 8 में से 7 मैच जीतना, और फाइनल्स जो था वो ओवल इनविंसिबल से हार गए थे। तो यही काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी और सेम बरकरार कर रहे हैं सदर्न ब्रेव, इस साल भी 3 में से 3 जीते हैं। वहीं वेल्श फायर 2 खेल चुके, 1 भी नहीं जीती है। तो सदर्न ब्रेव कह सकते हैं क्लियर फेवरेट रहेगी आज के मैच में, और स्टेट्स भी यही कहते हैं। बात करते हैं स्क्वाड की, तो ये पूरा स्क्वाड देख सकते हो, बैटिंग बॉलिंग कौन सा प्लेयर कैसे करता है, यहाँ से गाइस सदर्न ब्रेव का फुल स्क्वाड देख सकते हो। बात करते हैं प्लेइंग 11 की, वेल्श फायर की तरफ से टेमी ब्यूमोंट ओपन करती है, हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, हेली मैथ्यूज को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रैचल लिंस भी गाइस ऑस्ट्रेलिया टीम की वाइस कैप्टन है। एनाबेल सुदरलैंड हाईली टैलेंटेड यंगस्टर, बैटिंग बॉलिंग दोनों। फ्रैन विल्सन, सारा ब्राइस, फी मॉरिस, केटी जॉय, लॉरेन फाइनर, एलेक्स हार्टली भी एक टैलेंटेड ऑफ स्पिनर है, सॉरी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। क्लैरी निकोलस राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, ये भी गाइस सीनियर प्लेयर है। बात करते हैं सदर्न ब्रेव की, यहाँ से गाइस स्मृति मंदाना ओपन करती है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। डैनी वेट कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सोफिया डंकली को भी आप सब जानते ही हो, बैटिंग से अच्छा खासा कर लेती हैं। ताइला मैग्रिथ को भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। माया बाउचर गाइस बैटिंग से कर लेती हैं, लेकिन बॉलिंग तो यहाँ पर अभी करा नहीं रही, लेकिन कभी भी करा सकती हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। फ्रेया कैम लेफ्ट आर्म पेसर, हाईली टैलेंटेड। यहाँ से जॉर्जी एडम्स, अमांडा जेड वेलिंगटन को भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हैट्रिक विकेट ले रही हैं यहाँ पर। एनिया शुभशोल इस टीम की कैप्टन है और टैलेंटेड बॉलर है। लॉरेन बेल कालारोड, लॉरेन बेल कंपेयर टू कालारोड, लॉरेन बेल अच्छी बॉलर है, अच्छी पिक रहेंगी, और कालारोड विकेट कीपर है वैसे भी। यहाँ से गाइस बात करते हैं हेड टू हेड, सेम वेन्यू पे हुआ था लास्ट ईयर दोनों टीम्स के बीच में, उसमें देखो क्या हुआ था। सदर्न ब्रेव ने कहा था हम बॉलिंग करेंगे, 8 विकेट के साथ जीती थी। तो उस मैच में देखो यहाँ से गाइस हेली मैथ्यूस ने 33 रन किए थे पहली पारी में, अमांडा जेड वेलिंगटन ने पहली पारी में 2 विकेट लिए थे, लॉरेन बेल ने पहली पारी में 2 विकेट लिए थे, शुभशोल विकेटलेस गई थी पहली पारी में, फी मॉरिस भी विकेटलेस गई थी पहली पारी में, मंदना ने चेस करते वक्त 61 नॉट आउट किया था, डैनी वेट ने चेस करते वक्त 12 किया था, सोफिया डंकली ने चेस करते वक्त 16 किया था। फिर गाइस एक मैच हुआ था जो हेड टू हेड का, उसमें गाइस देखो क्या हुआ था। वेल्श फायर ने कहा था बॉलिंग करेंगे, सदर्न ब्रेव गाइस यहाँ से 39 रन से जीत गई थी। डैनी वेट ने उस मैच में पहली पारी में 53 किया था, स्मृति मंदाना ने 78 किया था, यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ से मंदाना का रिकॉर्ड अच्छा है, चाहे वो पहली पारी हो चाहे वो दूसरी पारी हो। सोफिया डंकली ने 23 नॉट आउट किया था, माया बाउचर 5 नॉट आउट रही थी। हेली मैथ्यूज ने पहली पारी में 2 विकेट निकाले थे विद द बैट, दूसरी पारी में 18 किया था। एनिया शुभशोल फिर उस मैच में भी विकेटलेस गई थी, लॉरेन बेल उस मैच में भी विकेटलेस गई थी, और इस मैच में 2 विकेट लिए थे पहली पारी में। अमांडा जेड वेलिंगटन ने सिर्फ 1 विकेट लिया था, यहाँ पर 2 विकेट लिए थे। फी मॉरिस विकेटलेस गई थी, यहाँ पर भी फी मॉरिस विकेटलेस गई थी। टारा नोरिस अगर खेलती हैं तो 1 विकेट इन्होंने दूसरी पारी में लिया है। तो गाइस ये था, बात करते हैं गाइस इस वेन्यू पे, तो इस वेन्यू पे देखो अभी वेल्श फायर की टीम ने खेला था, बॉलिंग ली थी इसी सीज़न, ठीक है अभी पिछले हफ्ते कह सकते हो,
और यहाँ पे 19 रन से हार गई थी। तो ये गाइस जो स्टैट्स हैं हेड टू हेड वाले, ये इनके बेसिस पे आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन इसमें से बेस्ट जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, आज के मैच में स्मृति मंदाना कोई बुरी ऑप्शन नहीं रहेंगी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। बस यही है, इनको थोड़ा सा ऑफ स्पिनर से डर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जैसा आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। दोनों ही पारी में अच्छा किया और अभी रिसेंट टच भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर क्या है, मैं देखता हूँ विमेंस मैच में क्या होता है, जो जितना फियरलेस बैटिंग करता है ना वो उतना ज़्यादा टिकता है। फियरलेस आपको बैटिंग करनी है, प्लस थोड़ा सा जो आपका शॉट सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए, हर बॉल को आपको रीड करना चाहिए, तो यहाँ पर अच्छा खासा हो सकता है। अब आप देखो एलिसे कैप्सी और सोफी एग्लिस्टन, ये दोनों गाइस बॉलर हैं अच्छी खासी कमाल की, आप सब जानते हो, लेकिन ये दोनों हिटर भी बहुत कमाल के, लेकिन बस ये करते क्या है, जो शॉट सिलेक्शन उनका होता है ये क्या है, फुल ही अटैकिंग की गेम खेलती हैं, हर शॉट को समझ लो बड़ा मारने की कोशिश करती हैं, तो इस वजह से इनके विकेट्स आ जाते हैं कई बार, स्पेशली सोफी एग्लिस्टन का तो कई बार आ जाता है बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ हिटिंग ही करती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है इस सीरीज़ में जो अच्छे से खेलेगा, बॉल्स को अच्छे से रीड करेगा, शॉट सिलेक्शन जिसका सही होगा और जो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, फियरलेस क्रिकेट खेलेगा, जस्ट लाइक नैटालिया सीवर खेल रही थी अभी, डिएंड्रा डॉटन आप देख लो कल के मैच में क्या ही उनका जो स्कोरिंग देखोगे तो आप ही कहोगे क्या, लॉरा वॉल्ब्राट का देख लो, तो ये वही बात है। यही गाइज आप स्टैट्स जो है यूज़ करिएगा, आपके काम में आएंगे काफ़ी सारे। बात करते हैं इस कैप्टन वाइस कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन, तो देखो टेमी ब्यूमोंट ग्रैंड लीग में बनाओ, हेली मैथ्यू स्मॉल लीग में तो लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, रेचल लेंस को ग्रैंड लीग में बनाओ, एनाबेल सुतरलैंड को स्मॉल लीग में भी बना सकते हो, यहाँ से गाइस एलेक्स हार्डली को ग्रैंड लीग में बनाओ। अब बाकी गाइस देखो ये जो ये प्लेयर है, सारा ब्राइस, फ्रैन विंसन, केटी जॉर्ज, लॉरेन फाइलर, फाइलर तो गाइस विकेट टेकर हैं, मतलब चांसेस काफ़ी बना रही थी, विकेट इतने नहीं मिले लेकिन आज के मैच में हो सकता है विकेट मिल जाए। ठीक है, तो ये सब जो प्लेयर्स हैं इनको गाइस ग्रैंड लीग टीम में बाय डिफॉल्ट जो प्लेयर हैं ये वाले, इनके साथ एक एक प्लेयर रोटेट करो, आप आराम से इजीली ग्रैंड लीग जीत जाओगे। कोई भी ग्रैंड लीग की टीम उठा के देख लो, 5 लाख 7 लाख जीती होगी, उसमें गाइस एक दो डिफरेंशियल पिक होंगे, बाकी पूरा स्मॉल लीग का फॉर्मेट होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन भी स्मॉल लीग के होंगे। ठीक है, सदर्न ब्रेव की तरफ से स्मृति मंदाना अच्छी ऑप्शन, डैनी वेट अच्छी ऑप्शन, बिकॉज डैनी वेट ने यहाँ पर गाइस मैं बताया आपको कि नहीं बताया, हाँ ये देखो डैनी वेट ने गाइस यहाँ पर क्या किया है, एक विकेट भी लिया है दूसरी पारी में, तो डैनी वेट कभी भी बॉलिंग करा सकती हैं भाई। ठीक है, तो डैनी वेट भी अच्छी ऑप्शन रहेगी, सोफिया डंकली ऑप्शन रहेगी, ताइला मैग्रेथ अभी इस सीज़न 100 से कोई फायर परफॉर्मेंस नहीं दिया, ना बैटिंग से ना बॉलिंग से, तो हो सकता है आज के मैच में अच्छा करें। भाई माइया बाउचर को एक आध ग्रैंड लीग टीम में बना लेना, फ्रेया कैंप रखना स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में, एजे को भी रखना। ठीक है, यहाँ से गाइस एन्या शुभशोल स्मॉल लीग में रख सकते हो या स्किप कर सकते हो, लॉरेन बेल भी विकेट टेकर है। ठीक है, बाकी गाइस जो ये प्लेयर हैं कालरा रोड, यहाँ से गाइस जॉर्जिया एडम्स तो विकेट ले रही हैं अभी शायद मेरे हिसाब से, यहाँ से माइया बाउचर, ये सब प्लेयर्स गाइस एक एक टीम में अपनी ग्रैंड लीग रख लेना, बाकी बाय डिफॉल्ट ग्रैंड लीग स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन रखना। अभी से गाइस आप क्या कर सकते हो, बेस्ट एडवाइस आपको दूँ तो आप गाइस यहाँ से अपने 6 से 8 प्लेयर ऐसे सेलेक्ट कर लो जो मस्ट हैव पिक आपके लिए आज के मैच में होने वाले हैं। ठीक है, बाकी के बचे गाइस जो 4 प्लेयर हैं उन्हीं को आपको रोटेट करना है अपनी हर ग्रैंड लीग टीम में, तो आप यहां से अच्छा खासा कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बात करते हैं गिव अवे की, तो गिव अवे गाइस 2 दिन से बता रहा हूं और फिर से बताऊंगा नहीं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, कमेंट पर क्लिक करोगे बैट बॉल 11 एप्लीकेशन की, वहाँ पर जाओगे आज का मैच सेलेक्ट करोगे ये वाला, इसमें गाइस आपको 5000 का फ्री गिव अवे मिलेगा, उसको आप 2 टीम्स के साथ ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।